वसुंधरा राजे का दिल्ली का अहम दौरा है और आज फिर हुई एक महत्वपूर्ण मुलाकात राजनाथ सिंह के साथ। वसुंधरा राजे की आज मुलाकात हुई है, राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रणा हुई। दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली का अहम दौरा है और आज फिर एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह के साथ। वसुंधरा राजे की यह मुलाकात थी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मंत्रणा वसुंधरा राजे की हुई थी। उस दौरान भी निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात उन्होंने की थी। कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात का दौर जारी था और आज जबकि वसुंधरा राजे एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर है, ऐसे में राजनाथ सिंह के साथ भी बेहद अहम मुलाकात वसुंधरा राजे की हुई। उनके आवास पर ही दोनों के बीच मंत्रणा हुई, दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे पर है वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा राजे की यह मुलाकात रही। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच में मंत्रणा हुई, राजनाथ सिंह के आवास पर ही दोनों के बीच में मंत्रणा हुई, यह मुलाकात हुई 45 मिनट तक। कई मुद्दों पर चर्चा दोनों के बीच हुई है और चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, एक बार फिर से वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा और मुलाकात राजनाथ सिंह से, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बेहद ये महत्वपूर्ण मुलाकात इसको मान सकते हैं उस कड़ी में कि पिछले 2 दिनों में, और अगर बात करें पिछले 3 दिनों में, वसुंधरा राजे ने भाजपा पार्टी के न सिर्फ केंद्रीय नेताओं से बल्कि राज्य के नेताओं से मुलाकात की। अब हम शुरुआत से बात करें, उत्तराखंड में शपथ समारोह में वसुंधरा राजे पहुंची, करीबन 8 मुख्यमंत्रियों से मंच पर उनकी मुलाकात हुई। उनको पुष्कर धामी ने स्पेशली फोन करके बुलाया गया वीआईपी इनवाइट से, और ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वसुंधरा राजे को बुलाया गया, और सारे नेता थे, लेकिन बीच में लगातार ये बात थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया उस लिहाज से, और अगर पॉलिटिकली देखें। दूसरी बात है कि वो उसके दूसरे दिन वो संसद भवन पहुंची, 4 से 5 घंटे वो संसद भवन में रही। सेंट्रल हॉल का जो नजारा, जब आपस में लोग बात करते हैं तो बताते हैं कि जब वसुंधरा राजे की, तो चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे फिर वो दूसरी पार्टियों के नेता हो, तमाम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था और वो सब लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। खासतौर पर राजस्थान के 12 सांसद लगातार झुंड में उनके साथ घूम रहे थे, और जब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची तो 1 सांसद भी उनको वहां तक जो है प्रोटोकॉल में उनके साथ वहां तक गए थे। फिर उनकी निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई, गडकरी से मुलाकात हुई, और करीबन 2 घंटे अरुण सिंह से उससे मुलाकात हुई, शाम को बीएल संतोष से हुई, और उसके बाद कल वो लखनऊ पहुंची थी स्टेट गेस्ट के रूप में, केंद्र कार्यालय से भी उनको न्योता था, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी उनको इनवाइट किया था। कल उस ऐतिहासिक पल की वो साक्षी रही, वहां पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की दूसरी शपथ में मौजूद रही, और अब आज सुबह 11:15 बजे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी हैं, राजनाथ सिंह पार्टी के बड़े नेता भी हैं, और राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के समर्थक के रूप में भी देखे जाते हैं, और राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे का आज का नहीं बहुत पुराना संबंध है। और तो राजनाथ सिंह से 45 मिनट उनकी मुलाकात होना, और अब इसी फहरिस्त में ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी उनकी आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में मुलाकात हो सकती है, और उसके बाद देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और संगठन के अभी के सबसे मजबूत खिलाड़ी अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात जो है वसुंधरा राजे की, वो भी होना संभव है। यानी कि पिछले 3 दिनों में जिस तरह से वसुंधरा राजे की लगातार मुलाकात हो रही है, अगर पहले ये माना जाता है कि वो शिष्टाचार मुलाकात, लेकिन अब इन मुलाकातों को आने वाले राजस्थान के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, और उसका राजनीतिक रूप से कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन सारी बातों में ये बात है कि वसुंधरा राजे के खेमे के लोगों में सडनली यहाँ पर जान फूंक दी है इन 3 दिनों के दौरे में, और वो वापस से फील्ड में सक्रिय भी होने लगे हैं, और दूसरा उम्मीद भी उनकी बढ़ गई है। हालांकि अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि राजस्थान की राजनीति में क्या करवट लेंगे, मोड़ लेंगे, लेकिन इन सारी बातों में श्वेता एक बात साफ है कि अब केंद्र का रुख और वसुंधरा राजे का रुख, दोनों का रुख बदला है, दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़कर या कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हालांकि अगर यही सवाल हम वसुंधरा राजे उनके लोगों से कहेंगे या पूछते हैं, तब वो ये कहते हैं कि पहले भी साथ ही थे,
लेकिन पहले हमने जिस तरह के डिफरेंसेस कभी कभी जो है देखे या फिर हमने खबरों से समझने की कोशिश की, वो यहाँ पर कम होते जरूर नजर आ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो है एक अलग भावना के साथ आगे आने वाले राजस्थान चुनाव में जो दोनों का भाव है एक दूसरे का वो बदलता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।